अगर आपको राइट साइड का पैरालिसिस है तो लेफ्ट हैंड यूज करना है, तो सबसे पहले अगर बलून फुला रहे हैं आप तो वो स्टॉप कर दीजिए, थ्रो करने के लिए डायरेक्शन देना है। सेकंड नंबर, आपको पानी यहां से फैल के अपने ऊपर आ जाएगा। ये मैं आपको ब्रेन को एक्टिव करने की एक्सरसाइज बता रहा हूं। मान लो आप चाहते हैं मेरे फेशियल पैलसी ना हो, तो इससे कैसे बचा जाए? इधर से आपको रोकना होगा और इधर असिस्ट करना है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फेशियल पैरालिसिस के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे बेल्स पैलसी भी बोलते हैं। अब आप काफी कंफ्यूज होंगे फेशियल पैलसी और बेल्स पैलसी में क्या डिफरेंस है। दोनों का मतलब ही हाफ साइड चेहरे का पैरालिसिस होता है। इसमें क्योंकि प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, कई बार ये लोअर मोटर हो सकती है, कई बार अपर मोटर होती है। तो ऐसा समझिए, अगर किसी को स्ट्रोक होता है या ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है और ब्रेन की वजह से अगर फेस पे पैरालिसिस आता है तो ये अपर मोटर में आता है। इसको आपको कैसे समझना है, अगर किसी के फोरहेड बिल्कुल इंटैक्ट है, मतलब फोरहेड में ये मूवमेंट हो रहा है, कहीं कोई पैरालिसिस नहीं दिखता है, तो इट मींस ये ब्रेन में प्रॉब्लम होने की वजह से हुआ है। सेकंड क्या होता है, लोअर मोटर लीजन, यानी कि अगर आपको प्रॉब्लम यहां कान के पास से, जो जहां से नर्व निकलती है, फेशियल नर्व, 5 ब्रांच होती है इसकी, तो अगर इसमें इस जगह पे इंटरनल मीटस में अगर प्रॉब्लम होती है तो ये लोअर मोटर लीजन होता है और इसमें पूरा का पूरा हाफ साइड के इधर के मसल्स पैरालाइज्ड हो जाती हैं। तो ये आपके लिए समझने के लिए काफी होगा। जब आप आईज क्लोज करते हैं, कॉर्निया ऊपर की तरफ चला जाता है, साइड की तरफ ऐसे, और इतनी ओपन रहती है, लेकिन पेशेंट को लगता है कि कंप्लीटली क्लोज्ड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको सबसे पहले अपने आईज को प्रिजर्व करना है, आंखों को बचाना है, कंप्लीट आई डैमेज भी हो सकती है अगर कंटिन्यू आई ओपन रही तो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैरालिसिस हो गया उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं ले, क्योंकि हम लोग हैं यहाँ पे, बिल्कुल ठीक हो सकते हो आप। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आईज कैसे बचाएं, सबसे पहले आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलना जरूरी है, आई स्पेशलिस्ट से, आपकी आई ड्राई ना हो, उसमें नमी बनी रहे और वो आगे डैमेज उसमें नहीं हो, इसलिए आपको आई ड्रॉप डालना है। सेकेंड प्रिकॉशंस, आपको आई को ढककर रखना है, जैसे दिन में सनग्लासेस भी पहन सकते हैं आप, लेकिन उससे भी अच्छा होता है आप उसको कवर रखें। ऐसे ही रात में सोते समय सबसे ज्यादा सावधानी रखनी होती है आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि आपने कई लोग हैंकी रख लेते हैं, ठीक है हैंकी भी, लेकिन आई उसमें भी ओपन रहती है, क्लोज नहीं होती है, तो उसमें आपको क्या करना है, यहां नीचे की तरफ से इस जगह से इस तरीके से खींचते हुए एक टेप लगा सकते हैं, जिससे कि ये नीचे वाला जो पोर्शन है जो कि पैरालाइज्ड है वो इसको क्लोज करेगा ऐसे, और ऊपर आप गोज रखेंगे अच्छे से, इतना गोज रखेंगे ताकि आपके ये जो हेयर है वो पुल ना हो। तो गोज रखने के बाद उसको सिंपल टेप से, वैसे डॉक्टर टेप जो होती है वाइट वो आप लगा सकते हैं, वो नहीं है तो सिंपल कोई सी भी टेप से उसको बंद कर दीजिए। ऐसे करके आपको सोना है, रोज सुबह वापस से उसको हटा सकते हैं और दिन में आपको उसको दूसरे तरीके से कवर रखना है। फ्रेंड्स, बेल्स पैल्सी और फेशियल पैरालिसिस पे मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि लोग काफी कंफ्यूज्ड हैं, एक्सरसाइज कैसे करनी है, क्या करनी है, ये ठीक भी होता है कि नहीं है। तो फर्स्ट आंसर मैं आपको दे दूं, 95% केसेस में ये रिकवर होता है, लेकिन अपने आप नहीं होता है। अगर आपने इसको ऐसे छोड़ दिया कि ठीक है हो जाएगा ठीक, तो ये कभी ठीक नहीं होगा। कई केसेस मैंने देखे 6-6, 8-8 साल से भी इस चीज से परेशान है और उनकी रिकवरी बिल्कुल भी नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सावधान हो जाइए, डरिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि ठीक हो सकता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, क्वेरीज है कि ये कैसे करेक्ट करें, तो सिंपल मैं बोलूंगा, आप कहीं पे भी हो 3-6 डेज के लिए आप मिल सकते हैं, आ सकते हैं, आपको एंड टू एंड कुछ दिनों में रिकवरी देखने को मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज मैं बताने जा रहा हूं आपको, अधिकतर जो ही आपको फेशियल पैरालिसिस होता है आप लोगों को ये एडवाइस मिल जाती है, चाहे YouTube के थ्रू हो, क्योंकि बहुत वीडियोस हैं, कोई सा भी देखा आप शुरू हो गए, या फिर जनरल किसी के पास भी जाते हैं आप, तो वो आपको ये एडवाइस देंगे कि ऐसे करके बस ऐसे करना शुरू कीजिए और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करंट लगा लीजिए, उससे ठीक होता है। मैं सिर्फ बोलूंगा इन दोनों चीजों का सिर्फ 20% रोल है आपको या आपके रिलेटिव को। राइट साइड का पैरालिसिस है तो आपने देखा होगा जब वो मुंह खोलता है तो उसका मुंह इधर की तरफ टेढ़ा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है मुझे आप बॉक्स में लिखिए, जितना आप समझ रहे हैं उस हिसाब से।
अधिकतर पेशेंट तो मुझे बोलते हैं कि मेरे को इस साइड का पैरालिसिस हुआ है क्योंकि मुंह टेढ़ा हो गया इधर। तो ये आपको समझना है मुंह इधर टेढ़ा क्यों होता है, उसका रीजन आपको पता तो आप बताइए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। मुंह टेढ़ा आपका अपोजिट साइड में होता है, जब भी आप मुंह करेंगे तो मुंह इस तरीके से ओपन होगा, ये इधर खींचेगा, यहां नहीं हो रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है आपके इधर के मसल्स, राइट साइड के मसल्स वीक हो गए, पैरालाइज्ड हो गए। एक नेचुरल टोन होती है यहां फेस में, वो टोन आपकी अभी के लिए खत्म हो गई है, लेकिन इधर की टोन अभी भी है। तो ये क्या हुआ, इसने ये टोन मेंटेन है, इधर जीरो है, तो ऑटोमेटिकली वो मसल्स इधर टोन होने की वजह से वो इसको इधर खींचने लगती है, मतलब खींचना नहीं बोलूंगा लेकिन वो टोन है वो ज्यादा है ये कम है, तो डिसबैलेंस हो जाता है, एसिमेट्री होती है। तो यहां के टोन ज्यादा होने की वजह से मुंह इस साइड में जाता है, इस डायरेक्शन में जाता है और टेढ़ापन लगता है। तो अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले टोन को बैलेंस करना है, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ये एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। टोन तो बैलेंस हुई नहीं, ये एक्सरसाइज क्यों बताई जाती है, उसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता है कि ये करो जिससे कि मूवमेंट आ जाएंगे, इससे मूवमेंट नहीं आते हैं, इससे ये होता है जो इधर से खींच रहा है वो टोन को हम थोड़ी नॉर्मलाइज करें, और यहां से ज्यादा दिन, क्योंकि यहां फ्लैसिड है टोन नहीं है, तो ये नीचे की तरफ नहीं जाए, लटक नहीं जाए ये वाला, नहीं तो फिर रिकवरी और भी मुश्किल हो जाती है, इसलिए कराया जाता है। सेकंड इसकी इंपॉर्टेंस है लिम्फेटिक ड्रेनेज थोड़ा बहुत बढ़े, लेकिन अगर सही मैनर में नहीं करोगे तो लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको राइट साइड का पैरालिसिस है तो लेफ्ट हैंड यूज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट टिप है ये, आप सेम साइड का ही हैंड यूज करते हैं जो कि रॉन्ग है। देखिए क्यों रॉन्ग है, ध्यान से समझिए, अगर अब आपने अपोजिट हैंड यूज करना है, आपको कैसे यूज करना है, इस पोजिशन में, ये पोजीशन इसलिए है, एक फिंगर यहां रहना चाहिए और एक फिंगर यहां रहना चाहिए, हाथ खुला हुआ रहना चाहिए और आपको इस डायरेक्शन में ऊपर जाना है, यहां तक जाना है, यहां नहीं जाना, यहां का अलग एक्सरसाइज होगा आपको इधर। कई लोग यहां से इधर जाते हैं और बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं, बहुत प्रेशर भी नहीं चाहिए। ये देखिए, एक तो बिल्कुल स्किन टच हुआ, उसमें 30% ऐड कर दीजिए अपना फोर्स, यानी कि ऐसे रखिए, ये तो स्किन टच, इसमें 30, थोड़ा प्रेशर आना चाहिए, 30-40% मसल्स पे प्रेशर जाना चाहिए। और यहां लाके इस पाम के इस हिस्से से आपको यहां लाके ड्रेन करना है, यहां लाके छोड़ना है इस तरीके से ना, ऐसे ही यहां पे आपको सर्कल एक्सरसाइज करनी है, ऐसे सर्कल किया, फिर इधर सर्कल किया, फिर इधर सर्कल किया, एक जगह पे आपको 10 सर्कल्स करने हैं, नेक्स्ट 10 सर्कल करने हैं, देन 10 सर्कल करना है, देन यहां करना है, फिर उसके बाद कंप्लीट यो करते हुए यहां लाके ड्रेन करना है। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, परफेक्टली करो तो आपको समझ में आ चुका होगा कैसे ये करना है। फिर भी कोई क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेजेस होते हैं, बहुत कमेंट्स होते हैं, तो आपको भी पता है ये पॉसिबल नहीं है। कई बार पेशेंट्स को लगता है सर आप रिप्लाई तो करते ही नहीं है, तो रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। फ्रेंड्स देखिए, मैं अब ज्वाइन बटन लेकर आ रहा हूं जिससे आप मेरे मेंबर बन जाएंगे। इसका बेनिफिट ये होगा, स्टार्टिंग के 40-50 रिप्लाईज में कर सकता हूं, तो ज्वाइन बटन में इसलिए डाल रहा हूं उन मेंबर्स को मैं रिप्लाई करूं ताकि उनकी प्रॉब्लम घर पे भी सॉल्व हो सके। ज्वाइन बटन पास में ही है, सब्सक्रिप्शन के पास में, सब्सक्राइब तो करना है जिससे कि आपको आगे ये वीडियो मिले, क्योंकि पार्ट 2 भी आने वाला है इसका, 3rd भी आने वाला है। अगर जिनको सीरियस है तो उनको डायमंड बटन लेना चाहिए, उससे क्या होगा वो वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और मुझसे 1-to-1 बात करके अपनी एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर सकते हैं, जो लोग आ नहीं सकते हैं। और जो ज्वाइन नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, जो भी नियर बाई है वो तो अपॉइंटमेंट मिल लीजिए, जो दूर से वो अपॉइंटमेंट फिक्स करके मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर आपने मिल लिया और कुछ समझ लिए तो आप घर पे भी ठीक कर सकते हो। इसमें आपको कॉमन क्या होता है, ईयर में भी पेन होने लगता है, कान में पेन इसलिए होता है क्योंकि जहां पे ये आपको प्रॉब्लम हुई है वहां पे इन्फेक्शन होने की वजह से ही ये लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस होता है, फेशियल नर्व पैरालिसिस होता है। कई लोग इसमें कंफ्यूज्ड है कि जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, वो लगाने से पेन तो नहीं होगा। फ्रेंड्स वो आपके इंटेंसिटी, आपके सहन शक्ति के हिसाब से लगाया जाता है। जो अगर तेज लगा रहा है इसका मतलब वो फॉल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। बिल्कुल सही तरीके से और सही मोटर पॉइंट्स पे लगनी चाहिए,
और वो भी बहुत जल्दी लगाने की जरूरत नहीं, आफ्टर 7 डेज आपको लगाना चाहिए, ताकि आपके मसल्स वेस्टिंग ना हो, मसल्स बचे हुए रहे, उसमें करंट फ्लो बना रहे, इसलिए होता है मेन। और धीरे धीरे एक्सरसाइजेस करने के बाद से आपका करंट वापस आए, आपके पावर वापस आए, आपकी टोन वापस आए। लेकिन कई वीडियोस आप देखेंगे, आपको यही समझ में आया कि ये मसाज कीजिए और सिर्फ करंट लगाइए, फेशियल पैरालिसिस ठीक हो जाता है। फ्रेंड्स, इस भ्रम में मत रहिए, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं होता है। मैं चाहता हूं आप कंप्लीट ठीक हो, आप 25% ठीक भी हो जाएंगे तो क्या, आपकी कॉस्मेटिक अपीयरेंस जो चली जाती है वो वापस रिगेन करना है, वो लाना है, तो इसलिए कंप्लीट ठीक होना है। फेस इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, आप लोगों से एक्सप्रेस करते हो और आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है अगर दिख रहा है कि इसको कुछ प्रॉब्लम है। तो मेरा टारगेट तो ये कि आप 100% रिहैबिलिटेट होइए। अब आप जब भी जाते हैं किसी के पास या यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो आपको एडवाइस मिलती है बलून फुलाइए, आपको एडवाइस मिलती है कि विशलिंग कीजिए, ऐसे करके विशल बजाइए, और आप जो भी कर सकते हैं बहुत तेज शंख बजाइए। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल मत करना। अब आपको लगेगा मैं अलग एडवाइस क्यों दे रहा हूं, तो ध्यान से समझिए, अगर आपने बैलून फुलाना स्टार्ट किया इन स्टार्टिंग फेजेस, तो क्या होगा, पहले ही इस साइड के टोन बढ़े हुए हैं, इधर के टोन जीरो हैं, तो जब आप बैलून फुलाएंगे तो नेचुरल आप इसी मसल्स को यूज करेंगे एयर फ्लो करने के लिए। कभी भी देखना, आप मिरर में देखिएगा, इधर से एयर पास होंगी तो बैलून भी आप ऐसा ही फुलाएंगे, तो क्या होगा बताइए, इसी साइड के टोन बढ़ने से ये और स्ट्रॉन्ग होगा और टेढ़ापन और ज्यादा बढ़ जाएगा, और इधर के मसल्स पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं आने की वजह से ये और वीक, फ्लैसिड और लटक भी जाएगा। तो सबसे पहले अगर बलून फुला रहे हैं आप तो वो स्टॉप कर दीजिए, ऐसे कोई भी हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो बंद करना है आपको। तो फिर आपको क्या करना है, कैसे आएगा ये, नॉर्मल गुनगुना पानी लेना है, गुनगुना पानी की बोतल ले लीजिए पूरी, और उस 1 लीटर की बोतल को लेकर आप ऐसी जगह पे बैठिए जहां से आप पानी को आराम से थ्रो कर सके, और वहां एक पॉइंट लगा लीजिए सामने दीवार पे, उस पॉइंट पे आपको टारगेट करना है, इस तरीके से पानी को थ्रो करना है लिप से। आपको शुरुआत में क्या होगा, पानी यहां से निकलता हुआ दिखेगा, निकलने दीजिए, नो इश्यू। सेकंड नंबर, आपको पानी यहां से फैल के अपने ऊपर आ जाएगा, तो आपका टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट होगा कि मैं बीच में से ही थ्रो करूं, बस ये सोचना है, करना कुछ नहीं, अपने आप हो जाएगा, आपको सिर्फ ट्राई करते रहना है बार बार कि बीच में से करूं। शुरुआत में आप क्या करेंगे, यहां से होल्ड कर लेंगे इसको, देन बीच में से पानी को थ्रो करेंगे, स्पीड करेंगे यो पकड़ के, फिर पकड़ के जब आप करेंगे तो कई लोग इतना टाइट पकड़ के थ्रो करते हैं, उसके रिजल्ट्स फिर स्लो आएंगे। आपको पकड़ना तो है लेकिन हल्के हाथ से थ्रो करने के लिए डायरेक्शन देना है। फ्रेंड्स, ये मैं आपको ब्रेन को एक्टिव करने की एक्सरसाइज बता रहा हूं। मेरे आपने और भी वीडियो देखे होंगे, हमेशा मैं ब्रेन पे फोकस करता हूं। अगर आपने ब्रेन को स्टिमुलेट कर लिया, एक्टिव कर लिया, तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आप बाहर से एक्सरसाइज करके नहीं ला सकते हैं, फेस के लिए कोई बहुत स्पेशल एक्सरसाइजेस आपके पास नहीं है, ऑप्शंस नहीं है आपके पास, ब्रेन चाहे तो कर सकता है। तो ब्रेन को एक्टिव करने के लिए आपको विजुअल क्यूज देने होंगे, और विजुअल क्यूज आप कैसे देंगे, सामने मिरर रखकर ही कोई भी एक्सरसाइज करेंगे। तो आप जो वाटर को स्पीड करेंगे उसमें सामने मिरर होना चाहिए दीवार पे, और आप देखेंगे मिरर में, देन एक फीडबैक आपके पास जाएगा और ऑटोमेटिक करेक्शन होते जाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 10 डेज 15 डेज करके देखिए, आपको जो पानी यहां से जा रहा था, यहां से गिर रहा था, वो पहले से काफी ठीक हो चुका है, वो यहां से आने लग रहा है, इसका मतलब आप ठीक हो रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसे मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं आप भी औरों की हेल्प करें। वो कैसे करेंगे, सब्सक्राइब करने से तो आपकी हेल्प होगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगा उसकी एक्सरसाइजेज आपको मिलेंगी, और लाइक करने से और लोग जो भी सर्च कर रहे होंगे फेशियल पैलसी एक्सरसाइजेज, उनको ये वीडियोज ऊपर मिल जाते हैं, तो उनकी ऑटोमेटिकली हेल्प होगी। और आप ये जो पेशेंट देख रहे हैं, मैं फीडबैक साथ में इसलिए दे रहा हूं, आपको मोटिवेशन मिले कि लोग ठीक होते हैं, और ये बहुत जल्दी ठीक होने वाले पेशेंट्स हैं। ये वीडियो आप देखिए, इसमें आपको 7 डेज में रिजल्ट्स आए हैं ये को, और ये 1 महीने के बाद के रिजल्ट्स हैं। मान लो आप चाहते हैं मेरे फेशियल पैलसी ना हो, तो इससे कैसे बचा जाए, तो एक तो कान के इंफेक्शन से बचना है आपको, हाइजीन रखना है कानों को। सेकेंड नंबर, ज्यादा कोल्ड से बचना है, अभी सर्दियों के दिन है, तो आपको चेहरे को हमेशा कवर करके चलना है,
जहां पे भी ठंड ज्यादा ठंडी हवा लग रही है, इससे भी फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। सेकेंड नंबर, कोई बहुत ज्यादा ट्रॉमा लगे, तो किसी को ट्रॉमेटिक इंजरी हुई, जैसे कि स्लैप लगा रखा बहुत तेज। अगर आप मेरे फॉलोअर हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, तो फ्रेंड्स एक प्रॉमिस आपसे मैं ले रहा हूं, आप दिन में 3 बार एक्सरसाइज करेंगे। फ्रेंड्स इसमें एक इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि जो भी एक्सरसाइज आप करेंगे वो मिरर के सामने करेंगे, और एक्सरसाइज करते समय हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे, लाइट एक्सरसाइजेस करेंगे, यूं करने की कोशिश करेंगे, स्माइल करने की कोशिश करेंगे। स्माइल में एक ध्यान रखेंगे, इधर से आपको रोकना होगा और इधर असिस्ट करना है। ये एक्सरसाइज आप शुरू कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।